ओके आगे कंटिन्यू करते हैं। जैसे एक्सट्रूड का मैंने आपको बताया कि अब ये इनसाइड एक्सट्रूजन चलेगी और वो नीचे आप मैश बनाते हुए जाएंगे। तो एक्सट्रूड में कर लेता हूँ, और जिस तरह आपने बाहर के एजेस जितने फासले से रखे हैं, जैसे नेक्स्ट एज ये है बाहर की तरफ, तो मैं इतने ही एज पे उधर तक इनसाइड जो है फेस इधर तक लेके आऊँगा और उसको सेट कर लेते हैं। दोबारा एक्सट्रूड में करूँगा, मूव करूँगा बाहर वाले एज के हिसाब से, ये रहा, और मैं स्केल करके सेट कर लेता हूँ। एक्सट्रूड अगेन, हमारे पास यहाँ पे जो भी हम वर्क कर रहे होते हैं उसकी यहाँ पे हिस्ट्री भी आ रही होती है। जैसे ये देखें, लास्ट हमने ये चीज़ यूज़ की है, ये देखें एक्सट्रूड ट्वीक, एक्सट्रूड ट्वीक। अगर यहाँ पे आपको एक ही वक्त में एक्सट्रूड एक्सट्रूड एज, मतलब एक ही लाइन में दो दफा देख रहे हैं, बीच में एक ट्वीक आता है फिर एक्सट्रूड आ रहा है, अगर ये दोनों एक्सट्रूड एज ऊपर नीचे एक साथ नजर आ रहे हैं, इसका मतलब कि दो एज आपने दो दफा एक्सट्रूड दबाया लेकिन उसको ट्वीक नहीं किया। तो देख रहे हैं, अब मैं एक्सट्रूड कर रहा हूँ साथ उसको ट्वीकिंग कर रहा हूँ, तो ये याद रखिए, फिर आपके डबल एजेस आ जाते हैं, फिर आपको इशू होता है। देखें मैंने अब एक्सट्रूड किया, अब ये देखें अगर मैं इधर यहाँ पे रख के एक्सट्रूड एक्सट्रूड दो दफा एक्सट्रूड मैंने दबाया, तो ये देखें कि एक एक्सट्रूड 6 आया और साथ ही एक एक्सट्रूड 7 भी आ गया। तो यहाँ पे अब दो दो आ गए होंगे एजेस एट ए टाइम, एक ये एज है और एक मैंने जो सिलेक्ट किया हुआ है, तो इस चीज का ध्यान रखना। मिस हो गए, अगर जी जो मैंने आपको बताया था लास्ट कमांड होती है, अगर ना समझ आए तो मुझे बताइएगा उसका, मैं तो दोबारा, आप देखें कि मैं जी दबाता हूँ और अगर वो वर्क नहीं करता, इसका मतलब कि लास्ट कमांड आपकी चेंज हो चुकी है। तो आप दोबारा जाके ऊपर ऑप्शंस में एक्सट्रूड का बटन प्रेस करेंगे ताकि लास्ट कमांड दोबारा जी पे आ जाए। यहाँ तक ठीक है, और मैं अब क्या करता हूँ, ये मेरे पास थोड़ा सा रह गया, अब ये खत्म नहीं होगा, इसको फिल होल करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ से आप देखेंगे मुझे अब पीछे वाले हिस्से नजर आ रहे हैं जो मुझे नजर नहीं आने चाहिए ऊपर से। तो मैं डबल क्लिक करके एच सेलेक्ट करूंगा और फिल होल मेरे पास यहाँ पे मैश में है, फिल होल हो सकता है आपके पास एडिट मैश में भी हो, तो आप चेक कर लेना फिल होल की ऑप्शन। तो ऊपर कंप्लीट हो गया, अब नीचे शुरू करते हैं बनाना। तो एक्सट्रूड देखिए, अब मैं जी का बटन दबा रहा हूँ तो क्लोज बॉर्डर की ऑप्शन आ रही है मेरे पास, जो मैंने फिल होल किया था लास्ट कमांड जी के बटन पे, तो चेंज हो गई कमांड। तो मैं इसे दोबारा बताऊंगा कि भाई मुझे एक्सट्रूड चाहिए, तो वो जी के ऊपर सेट हो गया होगा। अच्छा, अब यहाँ पर मैंने जैसे बताया था कि देख रहे एंगल थोड़ा खराब हुआ है पिक्चर का, तो हम मैं यहाँ से उसको फॉलो नहीं कर रहा इमेज को। हाँ मैं ये देख लेता हूँ कि इसकी जो बेस की चौड़ाई है कितनी है, तो बेस की चौड़ाई ऑलमोस्ट ये आ रही है, जो देख रहे हैं मैंने यहाँ तक एक्सट्रूड कर लिया फेस, इतनी चौड़ाई ये मैंने इस इमेज से ले ली है। बाकी मैं खुद उसकी वॉल्यूम जो है थिकनेस बता देता हूँ कि भाई इतना मुझे वॉल्यूम चाहिए, और एक्सट्रूड इनसाइड फिर से एक्सट्रूड मैं दो तीन लगा के ताकि स्पेस ये नहीं देखे, और इसको ख़त्म करने के लिए मैं कर देता हूँ फिल होल ताकि ये फिल हो जाए। यहाँ पर हमारा मॉडल ऑलमोस्ट कंप्लीट है, लेकिन जो रह जाता है वो क्रीजेस हैं कि कहाँ से शार्प करना है। सॉफ्ट तो 3 दबाने से सारा हो जाता है, हमें इसको कुछ एरिया से शार्प भी करना होता है, जैसे कि ये बेस से। लेकिन मैं एक इस पॉइंट पे लगा लेता हूँ, एक इस पॉइंट पे 3 का बटन प्रेस करके देखता हूँ तो कैसा लग रहा है। आई थिंक बेहतर है, इतना वॉल्यूम। तो इधर आ जाता हूँ, इस पॉइंट पे भी देखें तो ये राउंड हो रहा है बहुत ज़्यादा। तो मैं एजेस जब भी ऐड करने हैं आपने, ये वो इंसर्ट एज लूप टूल वाले एज है, तो 1 का प्रेस करना है तब एज ऐड करना है। तो ये देखें कि अब मेरा ग्लास परफेक्टली रेडी है,
और कितना अच्छा बना है, शानदार बना, ठीक है। तो थैंक यू।